बात बताना चाहता हूँ। मैं आज जब कल पूना पहुँचा तो मेरे दो स्टूडेंट हैं महाराष्ट्र कैडर में, एक वरुण, उसका भी इन्हीं के बैच में सिलेक्शन हुआ। तो उसने मुझसे कहा, सर आपने मुझे नहीं बुलाया। एक आईएएस है, उन्होंने कहा कि सर ये तो बेईमानी है सर। और दोनों लोग आए हैं पर यहाँ नहीं आए, भाई ऑफिसर हैं तो प्रोटोकॉल नहीं आ सकते। तो बोले, आपने सैफिन को ही क्यों बुलाया? बुलाने के लिए तो खैर पूरी दुनिया पड़ी होती है, लेकिन इस आदमी की बड़ी विशेषताएं हैं। पहली, 22 साल इस उम्र में अगर ये आदमी को यह समझ में आता है कि मुझे क्या करना है, ब्लेसिंग। दूसरी विशेषता, अकबर है ये। अभी मैंने बाहर नेपोलियन कह दिया था, फिर मैंने अमेंड किया अपने आप को कि नहीं नहीं अकबर है, हमेशा जीता। नेपोलियन तो बाद में हारा, नाम उसने भी बहुत कमाया। तो मैंने इनको अभी सुबह कहा कि तुम नेपोलियन हो, फिर मैंने कहा नहीं नहीं अकबर। आप इस आदमी के सोच देखिए, सोच। मैं तो इतना भी नहीं बोलना चाहता था, मैं चाहता था यही आपसे बोले। दूसरी बात, मेंस के समय इस आदमी का पैर टूट गया। जज्बा देखो यार, मेरा ऐसा नहीं कि मैं कोई आईएएस बन गया तो मैं उसे ना जाओ, पर इस आदमी से मेरा एक विशेष कुछ है। लोग ऐसा नहीं, सिर्फ इन्हीं से, ऐसे मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनसे मेरा एक बड़ा विशेष लगाव है। उसके पीछे ये नहीं कि आईएएस बन गए मैं इनसे कल बोलूंगा मेरा काम कर दो, मैं कभी नहीं बोलूंगा, मालिक ना करे मुझे कभी इनसे कहना पड़े, लेकिन लगाव है। इसलिए कि इस आदमी ने बहुत लोगों को आशा दी, आशा कि भैया हम भी कर सकते हैं। नहीं तो आदमी इतना बहाना बनाता है। मेरे दोस्त हैं, उनके भाई हैं, चपरासी हैं बैंक में, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी 10th के बाद। मैंने कहा चाचा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? बोले हमारे पापा ने हमको साइकिल खरीद के नहीं दी। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बहाने बनाना। सैफिन में और मेरे में एक चीज कॉमन है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मेरी माँ लॉयर हैं, एडवोकेट, मेरे फादर पोस्ट ऑफिस में थे। हम बड़ी लोअर मिडिल क्लास से थे, तो मेरे पिताजी ने मेरी माताजी को पढ़ाया। हमारे पास 10-10 बीघे ज़मीन थी उस वक्त, तो 5-6 बीघे ज़मीन तो माताजी को पढ़ाने में बिक गई, 5 बची। तो जब मैं बड़ा हुआ, बाहर निकला, बाहर पढ़ने के लिए मैं दिल्ली आया, फिर और पोस्टिंग की ज़रूरत पड़ी, मेरी बहन वो भी आई दिल्ली पढ़ने के लिए। पैसे तो थे नहीं घर में, तो ये हुआ कि भाई अब क्या करें। माताजी ने कहा कि ज़मीन बेच दो। तो मेरे पापा ने कहा यार 5 बीघे और बच्चे हैं, इसको भी बेच दोगी तो खाने खाएंगे कैसे? अबे उन्होंने कहा बेच दो यार, यार लड़का हमारा अरबों डॉलर का, बेच दो। तो भाई कुछ भगवान की वो थी कि मैं सुन रहा था उन दोनों आदमी की बातें। बेच दिया साहब ज़मीन, हम तो चले आए पढ़ते रहे। तो जब मेरा आईएएस के लास्ट अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ तो मेरी स्थिति एकदम, मतलब मैं उसे बयां ही नहीं कर सकता, उस पर मैं जाना ही नहीं चाहूँगा। 7 महीने बड़ी अजीब सी स्थिति में रहे, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उनके लिए ये सब तैयारी नहीं है। हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें जगह बनानी है। और सर अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं सर। लड़ना है सर, ज़िंदगी का मतलब लड़ना। अब आप डिसाइड करो कि कहाँ। चपरासी बन गए सरकारी SBI में, कितनी सैलरी? 25,000। आप सोच के देखो, अगर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जिनका महीने का खर्चा 15,000 रुपया होगा आपका अपना, और अगर आपके घर में 3 भाई बहन हैं तो 45-50 हज़ार तो आप ही लोग खर्चा करते हो। आप सोच को देखो, अगर आपको 25,000 सैलरी मिली तो आपका घर कैसे चलेगा? वो लड़ाई नहीं है आपका, तो भाई साहब पढ़ाई करने में बड़ा लड़ाई करना पड़ता है। सर जिंदगी का मतलब लड़ाई है सर, लेकिन कैसे? हंस हंस के। अपने किसी को चाटा मारा, हंस रहे कि भाई साहब मजा आ रहा है, एक मार दूं भाई साहब। गुस्से में नहीं मारना है, जिंदगी मतलब लड़ाई, और लड़ाई मतलब हंस हंस के लड़ना, तभी जीतोगे। फिर वापस आया, फिर मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कोचिंग चलाते थे इलाहाबाद में, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला भाई हमारे एक पुराने टीचर हैं वो भाग गए हैं,
आप जरा आगे पढ़ा दो, तो मेरी एक्सीडेंटल एंट्री हो गई इसमें। मैं पढ़ाने लगा तो पहले दिन मैं गया पढ़ाने, तो करीब 50-50 लड़के थे, तो उसमें आधे से ज़्यादा चले गए। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, मेरा दोस्त भी बड़ा नाराज हुआ कि क्या पढ़ा दिए यार, सब लड़के भाग गए। फिर मेरे एक सीनियर थे, मैंने कहा यार पढ़ाया तो मैंने बहुत, बोले यही गड़बड़ कर गए, ज़्यादा नहीं पढ़ाना, थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ, ये पढ़े लिखे लोग हैं बड़े, इनको बता दो करना क्या है, इनको स्पून फीडिंग मत करो। फिर मैं पढ़ाने लगा, पढ़ाते पढ़ाते एक नया लाइफ मिली। मेरा पहला स्टूडेंट जो आईएएस हुआ वो राजू शुक्ला, अभी झांसी में है। उसके बाद मुझे, वो बड़ा अजीब सा लड़का था, मैंने उससे पूछा कि यार अकबर के बारे में कुछ जानते हो? कहा सर अकबर औरंगजेब ये सब भाई भाई थे। तो मैंने कहा यार इससे काम, अभी झांसी में है, मैं अगली बार लेकर आऊंगा, भगवान ने चाहा तो, मालिक ने चाहा मैं उसे लेकर आऊँ, मैं उससे मिला, उससे भी मिलाऊंगा। कि देखो ऐसे लोग, दिशा पहली चीज मैंने आपको बताया समझना, दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डायरेक्शन। जीत कोई भी सकता है, दुर्योधन की तरफ से महाभारत के युद्ध में कौन खड़ा है? द्रोणाचार्य प्रोफेसर, स्टूडेंट भी हार गया और टीचर भी हार गया और दोनों मारे गए। लेकिन अर्जुन की तरफ से खड़ा हुआ है कृष्ण, वो कोच है, इस फर्क को समझिएगा। कोच का काम है दिशा देना। दुनिया के जितने धर्म हैं, इस्लाम हिंदुइज्म जिसने, सबने गुरु को बड़ा सम्मान दिया है बहुत। मैं कश्मीर जाता हूं तो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन इतना वो सब सम्मान वहां पे करते हैं लोग, कहते हैं सर बड़ी इज्जत दी गई है गुरु को, इसीलिए वो दिशा दिखाता है। दिशा पहली चीज आपको समझ डेवलप करनी है। दूसरी चीज किसी भी फील्ड में जा रहे हैं ना उसका डायरेक्शन पता करिए। मैं हम सैफिन की बात कर रहे हैं, फिर इस फील्ड में मालिक ने शायद सर पे हाथ रख दिया और कायदे की कहानी चल पड़ी। फिर मैंने कई सारी कोचिंग पढ़ाए, मैं बाद में बाजीराम में आ गया, बाजीराम में 20,000 लड़के, और हमारा बॉस बड़ा अच्छा है, वो हमें लिफाफे में पैसा नहीं देता, बोरे में देता है, कहता बोरा ले आओ और भर लो। तो मैं अपने घर गया तो जिनको हमने अपनी जमीन बेची थी, मैंने उनसे पूछा कितना पैसा लोगे? जितना तुम सोच सकते हो उसका डबल दूंगा, जमीन वापस कर दो। उसने कहा कि 20,00,000 की है। मैंने कहा 40 ले लो पर मेरे नाम पे कर दो। हमारे मां बाप मतलब भगवान, भगवान सैफिन आए, अमीन की नहीं आई किसी कारण से, मैंने बुलवाया जबरदस्ती, क्योंकि जब मैं पहली बार इनकी वीडियो देखा तो मुझे लगा यार मेरी माँ है ये, ऐसे उन्होंने भी स्ट्रगल किया और आज उसने मतलब ऐसे मुकाम पे बिठा दिया कि आपका जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है दुनिया, और कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, बाकी अपने आप चलेगी, वह जिम्मेदारी ये है कि आपके माँ बाप आप पर फक्र करें। ये बात अपनी जिंदगी में रखिए, फक्र किसी भी बात पर, किसी बात पर कि मेरे बेटे ने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। समझिए, दिशा देखिए, दिशा। मेरे दोस्त हैं दानिश फिरोज शमसी, कहते हैं मैं नमाज कभी छोड़ता नहीं, मालिक मेरी सुनता नहीं, तू नमाज कभी पढ़ता नहीं, तेरी इतनी सुनता, मुझे कहते हैं वो। मैंने कहा पता क्यों सुनता है? क्योंकि अगर मैं एक ब्रेड भी खाता हूं ना सड़क पे खड़े हो गए तो मैं उसको शुक्रिया कहता हूं कि तेरी मर्जी से खा रहा हूं। मालिक की सबसे बड़ी चीज क्या है? शुक्रिया। आईसीयू में जाके देखो, आईसीयू जाना, आईसीयू कभी आईसीयू जाओ हॉस्पिटल के, वहां लोगों को देखो जो 25-25, 30-30 दिन से लेटे हैं, गाजर का पानी पी रहे हैं। तो जब बिरयानी खाओ तो आईसीयू को याद कर लो, शुक्रिया के भाव पैदा हो जाएंगे और जैसे ही पैदा होंगे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दिशा, नमाज पढ़ो, पूजा करो, तैयारी करो, कुछ भी करो, दिशा। अगर दिशा सही नहीं है ना सर, आपको कहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा। मालिक ने इतनी बड़ी कायनात बना रखी, आपके सजदे का थोड़ी भूखा है वो, पर उसे लगता है कि आपको भी, जैसे आप किसी के लिए कुछ करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये मुझे कुछ थैंक यू बोलेगा, गिफ्ट देगा, जैसे आप करते हो ऐसे वो भी शायद करता होगा।
और आपको कुछ देना ही नहीं, शुक्रिया, यही इसीलिए वो मालिक है, हमें कुछ देना ही नहीं। ऐसा कहकर हम अपने आप को बचाते भी है, ये भी एक फायदा है हमारा कि हमें कुछ देना ही नहीं, देना तो घर पड़ता ही है। समझ और दिशा।